हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपके साथ कढ़ाई पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए पहले एक कढ़ाई में तेल ले लेना है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें हमने जीरा ऐड कर देना है और उसके बाद हमने प्याज कटा हुआ वो डाल देना है। जैसे प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाए फिर हमने इसके अंदर नॉर्मल साइज़ का कटा हुआ लाल टमाटर और बारीक कटा हुआ अदरक, वो दोनों चीज़ें ऐड कर देनी है। फिर इसे हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद उसमें हम ऐड कर देंगे हमारे टेस्ट के अनुसार नमक, 1 चम्मच, 1/2 चम्मच, जितना भी आपको चाहिए हमने इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक ऐड करने के बाद इसे फिर से हमने पकाना है 2 से 3 मिनट तक, जब तक ये हल्का सा सॉफ्ट होना ना शुरू हो जाए। जैसे ये सॉफ्ट होने लगे फिर गैस को ऑफ करके इसका हमने एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट को हमने साइड पे रखना है और उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल लेना है और जितने भी साबुत मसाले हैं वो सारे ऐड कर देने हैं। जीरा ऐड करना है, काली मिर्च, सूखी लाल मिर्च डालनी है इसमें हमने, तेज पत्ता डालना है और हमने इसके अंदर सारे मसाले डाल देने हैं। मसाले डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए पकाना है और थोड़ा बड़ा साइज़ का कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च ये लेनी है। पहले प्याज डालेंगे, उसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे शिमला मिर्च। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हमने पकाना है जब तक कि हमें लगे ना ये थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू हो गया। जैसे हल्का सा सॉफ्ट होना शुरू हो जाए इसमें हल्दी, लाल मिर्च और जीरा पाउडर, वो धनिया पाउडर वो डाल देना है। फिर जो हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देना है और इसे अच्छे से पकाना है इस पेस्ट को। जैसे हमारा ये मसाला पकना शुरू हो जाए फिर इसके अंदर हमने 1 ग्लास तकरीबन पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद इसे फिर से पकाना है और इस जैसे ये बबल से आने शुरू हो जाए इसमें, फिर हम इसमें हमने गरम मसाला डालना है और मलाई, फ्रेश मलाई आप ले लेना, मलाई डाल देनी है। मलाई डालने के बाद हमने इसे अच्छे से पकाना है जब तक कि इसका जितना भी इसमें तेल है वो सारा का सारा ऊपर नहीं आ जाता। जैसे ही आपका सारा तेल ऊपर आना शुरू हो जाए इसमें क्यूब साइज़ में कटे हुए क्यूब शेप के हमने पनीर डाल देना और पनीर को फिर हमने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना और फिर उसके ऊपर से हरा धनिया डाल देना।